छोटी सादरी में केंद्र सरकार को पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों सहित महंगाई पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए जाने के संबंध में ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी छोटी सादरी ने राष्ट्रपति के नाम SDM गौरीशंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार की अदूरदर्शी आर्थिक नीतियों एवं अपरिपक्व शासन प्रणाली से देश आर्थिक, प्रशासनिक एवं सामरिक दृष्टि से असुरक्षित होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटती क्रूड ऑयल की कीमतें व देश में बढ़ती पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें आम जनता को हैरत में डाल रही है, जिससे आम जनता को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। एक तरफ तो COVID-19 महामारी के प्रकोप में व्यवसाय ठप है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की कर रोपण नीति से किसान, गरीब व आमजन त्रस्त होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करें व महंगाई पर नियंत्रण पर आम जनता को राहत प्रदान करें, इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिन मुद्दों को प्रचार करके सरकार सत्ता में आई थी, उन मुद्दों को दरकिनार करके प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके कारण आम आदमियों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों के हालत हाल बेहाल हो गए। एक तरफ तो वो COVID-19 से जूझ रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं, और दूसरी तरफ सरकार दिन पर दिन नित नए टैक्स लगाए जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से हमने ज्ञापन देकर के निवेदन किया कि सरकार को ये निर्देश दें कि आम जनता पर कराओं का बोझ डालना बंद करें और पेट्रोल और डीजल के भाव कम करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्रूड ऑयल के भाव कम हो जाने से इसको निश्चित रूप से कम किया जाना है। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के हिसाब से हम देखें तो 30-32 रुपये। छोटी सादरी से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट।